किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से मैं एक हूँ, यानी के लेखक। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। फ्रिज का आना था तो सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। लेखक के कहते, यदि मैं अपने कमाए पैसों से रेफ्रिजरेटर खरीदता हूँ तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह तो सब लॉटरी का प्रताप है। पहले आने वालों को लेखक के पत्नी ने सिकंजी बनाकर पिलाई, यानी नींबू का शरबत। कुछ शौकीनों को चाय पिलाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए, यानी वह थक गई। उसने सिकंजी और चाय बनाना बंद कर दिया। झांकी देखने वालों का ताता बंदा था, मतलब आना जाना लगा था। एक जाता था तो दूसरा आता था। बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों बोतलों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी ठंडा कैसे होता? दिनेश ने चिल्टा छोड़ा, मतलब एक छुपती हुई बात सबके सामने कह दी। वह बोला, अबे यह फ्रिज तो पानी को गर्म बना रहा है। लेखक बोले, इतनी भीड़ नहीं देखी तुमने? हम खुद यहाँ गर्म हो रहे हैं। आगे लकीर की फकीर बोली। लकीर की फकीर यानी रूढ़िवादी व्यक्ति बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी? हमें भी बता देते। कुड़ मगज ने सुनाया। कुड़ मगज यानी गुस्सा करने वाली व्यक्ति। उस व्यक्ति ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, यानी के जलने वाला व्यक्ति। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा। शक्की मतलब शक करने वाला व्यक्ति। मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे होंगे। मुफ्त का जो रेफ्रिजरेटर है वह घर में ही रह जाएगा। एक तो लगातार लोगों का आना जाना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी यानी बहुत बुरी बातों ने कांटों में डंग का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल व्यक्ति ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस फ्रिज के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। वह बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चे को इन झगड़ों से क्या मतलब? वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के तंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था।